गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज पार्ट बी सेक्शन बी, ओड टू माय फाउंटेन पेन इन मेमोरियम बाय एनी फ्रैंक. ओके, वी विल स्टार्ट विद पेज नंबर 18. ओके, आई हैड टर्न 14 एंड माय फाउंटेन पेन वाज एंजॉयिंग द लास्ट ईयर ऑफ इट्स लाइफ विद मी व्हेन. अब एनी फ्रैंक बताती है कि वो 14 इयर्स की हो चुकी है और जो फाउंटेन पेन है वो लास्ट ईयर उसके साथ चल रहा है. मीन्स उसका पेन का जो है वो लास्ट ईयर चल रहा है. कैसे, अब बताइए. व्हेन इट वाज जस्ट आफ्टर 5 ऑन फ्राइडे आफ्टरनून, 5 बजे की बात है, फ्राइडे के दिन आफ्टरनून का टाइम था. आई केम आउट ऑफ माई रूम एंड वॉज अबाउट टू सिट डाउन एट द टेबल टू राइट. वो बताती है कि वो अपने रूम से आई और वो बैठने ही वाली थी टेबल पे लिखने के लिए, डायरी लिखने के लिए. When I was roughly pushed to one side to make room for Margaret and father, वो कहती है कि जैसे ही मैं बैठने वाली थी मुझे roughly push कर दिया गया, ऐसे धक्का दे दिया गया एक साइड पे. Who wanted to practice their Latin, Margaret और उसके father. Margaret कौन थी, उसके elder sister. एनी फ्रैंक की एल्डर सिस्टर एंड एनी फ्रैंक के फादर उनको रफली पुश कर देते हैं. क्यों, क्योंकि उनके लैटिन सीखने का टाइम हो गया था तो टेबल पे उनकी सिस्टर को और फादर को बैठना था. द फाउंटेन पेन रिमेन अनयूज ऑन द टेबल. एनी फ्रैंक बताती है कि जो उसका फाउंटेन पेन था वो टेबल पे ही रखा रह गया अनयूज, मतलब अभी तक मैंने उससे लिखना स्टार्ट नहीं किया था. वाइल इट्स ओनर, वो खुद को बताती है कि जबकि उसका जो ओनर है, उसका जो मालिक है पेन का मालिक, हैंगिंग वॉज फोर्स टू मेक डू विद अ वेरी टाइनी कॉर्नर ऑफ द टेबल वेयर शी बिगन रबिंग बीन्स. वो कहती कि लंबी सांस लेते हुए कि उसके जो मालिक है, जो ओनर है पेन का, उसको फोर्स किया गया टेबल के कॉर्नर पर बैठ के बीन्स को रब करने के लिए, जो फलियां होती है उसको रगड़ने का काम दिया गया, मतलब एक घर का काम दिया गया. दैट्स हाउ वी रिमूव मोल्ड फ्रॉम द बीन्स एंड रिस्टोर दैम टू दे ओरिजिनल स्टेट. वो कहती है कि जो बीन्स है उसको हम लोग ऐसे ही रिमोल्ड करते हैं. एट अ क्वार्टर ऑफ 6 आई स्वेप द फ्लोर. फिर वो बताती है कि कुछ टाइम बाद मैंने फ्लोर को, ज़मीन को साफ किया, डम्प द डर्ट इन टू अ न्यूज़पेपर, जो फलियाँ थी उसके जो डस्ट था, सारा जो गार्बेज था उसको न्यूज़पेपर में उठाया और अलॉन्ग विद द रोटन बीन्स, और जो सड़े हुए बीन्स थे, मतलब जो साफ करते, बीन्स को साफ करते हुए उसमें से जो उसका सारा गार्बेज निकला था उसको भी उसमें डाल दिया. एंड टॉस्ड इट इन टू द स्टोव, और जो स्टोव होता है, जो पहले के टाइम पे जो चूल्हे होते थे उसको उसमें डाल आई. सारा गार्बेज उठा के न्यूज़पेपर में रैप करके उसको उसने स्टोव में डाल दिया. अ जायंट फ्लेम शॉट अप एंड आई थॉट इट वॉज वंडरफुल दैट द स्टोव विच हैड बीन गैसिंग इट्स लास्ट ब्रेथ हैड मेड सच अ मिराकुलस रिकवरी. वो कहती है कि जो मेरे जो स्टोव की जो फ्लेम थी वो लास्ट, मतलब आखिरी सांस से गिन रही थी, मीन्स वो एकदम ऐसे बुझी बुझी से जलती थी, वो एकदम हाई फ्लेम पे जलने लगी. तो वो बताती है कि स्टोव थी वो गैस्पिंग मीन्स डीप ब्रेथ एज इट अबाउट टू डाई, मतलब वो उसकी जो आग थी वो बहुत बुझी बुझी से जलती थी, लेकिन मैंने जैसे ही सारा गार्बेज पर डंप किया वो बहुत ही तेज से उसका उसमें आग जलने लगी. ऑल वॉज क्वाइट अगेन. The laden students had left and I sat down at the table to pick up where I had left off. वो कहती है कि laden की क्लास खत्म हो गई थी, अब मैं बैठती हूँ टेबल पे जहाँ से मैंने छोड़ा था. इट मीन्स कि अब मैं लिखना स्टार्ट करूँगी डायरी, अपनी जो मुझे डायरी में लिखना था. ओके, बट नो मैटर वेयर आई लुक्ड माई फाउंटेन पेन वॉज नाउ वेयर इन साइड. वो कहती कि कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं बैठी हूँ लेकिन मुझे मेरा कहीं भी फाउंटेन पेन दिख नहीं रहा है. ओके, कहीं भी नहीं दिख रहा है. आई टुक अनदर लुक, मैंने यहाँ वहाँ भी देखा, मैंने हर जगह देखा बट मुझे नहीं दिख रहा. मार्गरेट लुक्ड, मतलब मेरी सिस्टर ने भी देखा. मदर लुक्ड, मम्मा ने भी देखा हर जगह. फादर लुक्ड, पापा ने भी देखा. डसल लुक्ड, डसल उसका एक रूममेट था जो उसके साथ रहता था, वो भी ऐसे ही छुप के रहता था इन लोगों के साथ, वो भी देखता है बट कहीं नहीं मिलता. बट इट हैड वैनिश्ड, वो कहती है कि मेरा जो फाउंटेन पेन था वो गायब हो गया अचानक से, क्योंकि किसी को मिल ही नहीं रहा. वैनिश्ड मीन्स गायब हो गया अचानक से.
Maybe it fell into in the stove along with the beans, Margaret suggested. Margaret जो उसकी sister होती है elder, वो कहती है कि क्या पता तुमने सारे garbage के साथ अपना fountain pen भी stove में डाल दिया. Margaret एक suggestion देती कि कहीं मिल नहीं ना, क्या पता वो आप तुमने वो stove में डाल दिया हो. No, it couldn't have, I replied. वो कहती नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैंने नहीं डाला. Okay, when but that evening when my fountain pen still hadn't turned up, we all assumed it has been burned, especially because a celluloid it highly inflammable. जब वो पूरे टाइम पे शाम तक उसको वो पेन नहीं मिला तो वो सब अज्यूम कर लेते हैं कि क्या पता उसने स्टोव में डाल दिया हो, क्योंकि वो जो उसका फ्लेम था वो इतनी तेज तेज जल रहा था एक सेलॉइड की वजह से. वो कहती है कि जो पेन में काइंड ऑफ प्लास्टिक था, क्या पता उसी की वजह से वो उसकी फ्लेम थी जो इतनी हाई हो गई हो. आवर डार्केस्ट फियर वर कन्फर्म द नेक्स्ट डे. वो कहती है कि मेरा जो बहुत ही के बारे में मैं पूरा टाइम सोचती रही, वो कन्फर्म कब हुआ? नेक्स्ट डे हुआ. कैसे हुआ? वेन फादर वेंट टू एम्प्टी द स्टोव एंड डिस्कवर्ड द क्लिप. वो कहती है कि नेक्स्ट डे जब मेरे फादर स्टोव के पास गए और उन्होंने देखा पेन का जो क्लिप है साइड में जो क्लिप होता है वो उसमें मिला था. यूज टू फास्टन इट टू द पॉकेट. जो पेन के पास क्लिप होता है जिसको हम लोग पॉकेट में रख के फंसाते हैं, वो क्लिप उसको उनको स्टोव के पास मिला. अमंग द एशेज, और एशेज भी मतलब उसकी जो राख थी पेन की वो भी थी. नॉट अ ट्रेस ऑफ अ गोल्ड निप वॉज लेफ्ट. वो कहती है कि मेरे पेन की जो निप थी, थिक निप थी, उसका एक भी ट्रेस, एक भी एलिमेंट उसका उस स्टोव में नहीं मिला. इट मस्ट हैव मेल्टेड इन टू स्टोन. वो कहती है कि क्या पता वो स्टोन बन गया हो. फादर कंजक्टर्ड, वो उसकी जो फादर होते हैं वो गेस करते हैं, क्या पता उसका जो निप था वो उसी में जल गया हो. I am left with one consolation, small thought it may be. वो कहती है कि मैं एक ये जो डायरी एंट्री है वो एक छोटी सी सांत्वना के साथ यहीं पे छोड़ रही हूँ. My fountain pen was cremated just as I would like to be someday. वो कहती है कि मेरा जो मैं सांत्वना दे रही हूँ खुद को कि मेरा जो फाउंटेन पेन है वो क्रिमेटेड हो गया, वो उसी में जल के चला गया है मिट्टी में. जैसे हम सब एक दिन चले जाएंगे, जैसे मैं एक दिन इस मिट्टी में मिल जाऊंगी, किसी दिन चली जाऊंगी, वैसा ही मेरा फाउंटेन पेन भी चला गया. योर्स एनी, मतलब आप वो अपना नाम लास्ट में लिखती है, एनी फ्रैंक, योर्स एनी. ओके, होप स्टूडेंट यू फाइंड द लेसन यूजफुल. थैंक यू एंड हैव अ गुड डे.